हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, आवाज़ चेक करिए तो ऑनलाइन में आ रहे हैं ना। देखिए, आपका टीपीए लिखवाया जा रहा था भाई, अभी 2 या 3 दिन लगेगा, हो सकता है तब आपका शुरुआत टीपीए का किया जाएगा। भाई, जो लोग नए हैं फिर एक बार मैंने बता दिया जाए, अभी आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शुरू नहीं हुआ है, केवल भूमिका चली है और प्री के लिए कुछ छांट कर लिखवाया जा रहा है, जो केवल आपका प्री में काम करेगा। और उसमें आपका धारा 25 तक पूरी तरह लिखवा दिया गया है और धारा 26 से लिखवाया जा रहा है, 1-2 दिन में आपका समाप्त हो जाए पूरा प्री वाला, तब डिटेल में टीपीए चलेगा। यानी कि मान के चलिए कि आपका एक बुधवार से चांस है चलने का, इसके पहले तो नहीं। यानी कि 2 दिन लग जाएगा अभी लिखवाने में, क्योंकि तमाम सिद्धांत हैं और तमाम आपका उस पर केस भी हैं, तो सब एक जगह लिखवा दे रहे हैं। इसको लिखिए भाई, आपका 26 चल रहा था, 26 में आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हित के निहित होने का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, यानी कि इंटरेस्ट के वेस्टेड होने का सिद्धांत। एक बार जो यूपीजे में बना है वह ये क्वेश्चन बना है, वो भी अभी लिखवा दे रहे हैं कि हित के निहित होने और हित को छीन जाने, अनिहित होने का सिद्धांत किन धाराओं में समाहित है। तो आपका 2 सेक्शन रट्टा मार कर जाना है, हित अगर निहित होना पूछे, वेस्टेड होना तो 26, और हित छिन जाना पूछे तो 29। एक बार ये यूपीजे में क्वेश्चन बना, इसको लिखिए। तो 26 लिखवाया जा रहा था, 3-4 सिद्धांत है इसमें, ये लिखवा दिया गया था कि नहीं, हित के निहित होने का सिद्धांत। ठीक है, अगला देखिए तो लिखवाया गया कि नहीं, कंडीशन प्रेसिडेंट यानी कि पूर्वभाव्य शर्त का पालन आपका सारतः किया जाता है। पूर्वभाव्य शब्द न आए अगर शर्त, तो उसको लिख लेना है पूर्ववर्ती शर्त, चाहे पूर्वभाव्य पूछे या पूर्ववर्ती, इंग्लिश में आपका देगा कंडीशन प्रेसिडेंट। तो इसका पालन कैसे किया जाना है, अक्षरशः की सारतः, तो आपका जवाब रहेगा सार्थक। और एक हम आपका उदाहरण भी मगरमच्छ वाला बताए थे, और मगरमच्छ का जो उदाहरण था वह शुद्ध रूप से पूर्वभाव्य शर्त या पूर्ववर्ती शर्त पर आधारित था, जिसमें हमने बताया था कि पहले तालाब तैर कर पार करो, यानी कि शर्त का क्या करो पालन, और तब इनाम मिलेगा। तो ऐसी दशा में आइए, अगला जो इसमें 26 में सिद्धांत पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, यानी कि इसको कई बार ये क्वेश्चन आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत हिंदी में लिखिए, सामीप्यता का सिद्धांत। 26 ही अभी चल रही है भाई, आपका 26 ही चल रही है, सामीप्यता, सामीप्यता का सिद्धांत। आप लिख करके लिखिए निकटता का सिद्धांत, निकटता, निकटता का सिद्धांत। फिर आपका इसको अगली भाषा में देता है यथा शाक्य सामीप्य का सिद्धांत, यथा शाक्य मैंने जहाँ तक संभव हो, यथा शाक्य सामीप्य का सिद्धांत।
इंग्लिश में एक ही आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, हिंदी केवल शब्द चेंज हो रहे हैं। अगला इसमें लिखिए लगभग करीब तक का सिद्धांत, हिंदी में एक और शब्द है लगभग करीब तक माने निकट तक, लगभग करीब तक का सिद्धांत की धारा में समाहित है अगर पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा 26। अब आइए 27, अभी आपका पिछली बार पूछा भी गया था आपका उत्तराखंड में। लिखे धारा 27 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का सिद्धांत समाहित है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन हिंदी में इसको लिखे त्वरण का सिद्धांत, त्वरण त्वरण का सिद्धांत, ये उत्तराखंड में इस बार आया था त्वरण का सिद्धांत। अब लिख करके हिंदी में लिखे त्वरितता का सिद्धांत, त्वरितता का सिद्धांत या शीघ्रता का सिद्धांत, शीघ्रता शीघ्रता का सिद्धांत या तेजी का सिद्धांत, तेजी तेजी लाना, तेजी का सिद्धांत। इसके बाद लिखिए आपका 29 पूछा जाता है, लिखिए 29 उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति, कंडीशन सबसिक्वेंट कहा जाता है। धारा 29 से भी क्वेश्चन बनता है उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन सबसिक्वेंट, लिखा गया है बेरेक में भी। अब आपका 29 से दो तीन मॉडल बनते हैं, सतर्क रहना। पहला जो मॉडल बनता है कि उत्तर भाव्य शर्त या पश्चातवर्ती, ना है तो आसान भाषा में लिख लीजिएगा पश्चातवर्ती शर्त, भाई ना है तो आसान भाषा में लिखिए दूसरी भाषा में पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती शब्द का पालन अक्षरशः किया जाना चाहिए, सार्थ न मार दीजिएगा, माने वर्ड बाय वर्ड पश्चातवर्ती शर्त का पालन अक्षरशः किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड अक्षरशः किया जाता है। दूसरा लिखिए इसमें सिद्धांत हित के अनिहित होने का सिद्धांत इसमें समाहित है, हित के अनिहित होने का सिद्धांत इसमें समाहित है। इसी में लिखे एरो बनाकर अगला, ऐसी शर्त का उल्लंघन होने पर हित छिन जाता है, हित छिन जाता है, एरो बनाकर लिखे तो आपका। फिर एक बार धारा 26 में हित के निहित होने का सिद्धांत दिया गया है, ये ऊपर लिखवा तो नहीं गया था ना, एक बार देख लीजिए तो। हाँ हाँ दोनों धाराएं लिखवाई गई थी कि नहीं, एक जगह लिखिए दोनों धाराएं, फिर से एक बार लिख लीजिए। धारा 26 में हित के निहित होने का सिद्धांत दिया गया है, जबकि 29 में
जबकि 29 में हित के अनहित होने का सिद्धांत दिया गया है। हित के अनहित होने का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद आपका 29 के बाद जो आप पढ़िएगा 35 लिखिए, 35 खूब पूछा जाता है। इस पर तो एक क्वेश्चन मान कर चलिए आपका बन ही जाता है किसी तरह से। लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हिंदी में लिखिए चुनाव का सिद्धांत या निर्वचन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत या निर्वचन का सिद्धांत। या चयन का सिद्धांत, या चयन का सिद्धांत लिखिए इसमें। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे ज्यादा पूछा जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कूपर बनाम कूपर के वाद में, कूपर वर्सेज कूपर के वाद में जस्टिस हैथरवी ने की। हैथरवी ये यूपी में भी आ चुका है और उत्तराखंड में। कूपर बनाम कूपर याद रखिएगा, कूपर वर्सेज कूपर का केस, और जस्टिस का नाम उत्तराखंड भी बनाया है हैथरवी। हैथरवी ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका मैंने जो 35 में बनता है आपका केस बनता है, और केस लिखिए भाई सभी केस आपका, लिखिए आपका टैगोर वर्सेज टैगोर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है टैगोर वर्सेज टैगोर। तीसरा केस लिखे मनी वर्सेज मनी, मनी वर्सेज मनी। अगला केस लिखे मुहम्मद अफजल वर्सेज गुलाम कासिम, मुहम्मद अफजल वर्सेज गुलाम कासिम। अगला केस लिखिए रंगामा वर्सेज अटचामा, रंगामा, रंगामा है भाई, रंगामा वर्सेज अटचामा, अटचामा, रंगामा बनाम अटचामा। ये लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके अगला इसमें लिखिए धारा 35 का सिद्धांत सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है। ये यूपी जे का क्वेश्चन है। धारा 35 का सिद्धांत सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है। अब ये दिया था क्वेश्चन कि निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है आपका हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, आपका ईसाइयों पर, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी, इसलिए एक लाइन में लिखवा गया। इसके बाद आपका जो बिहार जे के इंटरव्यू में क्वेश्चन एक आया था आपका, वह पूछा था मैंने वहाँ की लैंग्वेज में कि मीठा हब हब और तीखा थू थू, यानी कि ये पूछा गया था।
तो मीठा हब हब और तीखा थू थू का सिद्धांत आपका किस धारा में समाहित है, तो 35 लिखिए भाई, थोड़ा गंवारू भाषा भी लिखिए, आजकल इंटरव्यू में पूछ ले रहे हैं। लिखिए मीठा हब हब, यानी कि बहुत स्पीड में खाइए, मीठा हब हब और तीखा थू थू। हब हब मैंने खूब खाइए तेजी से, हब हब भाई झारखंड के इतना तो याद रखना चाहिए, हब हब मैंने खूब तेजी से खाइए जैसे आप खाते हैं, तीखा थू थू, अरे थूका जाता है जो, थू अथू दो बार लिख लीजिए, मैंने तीखा कौन खाना ही चाहता है भाई, कोई रहेगा। लिखिए आपका अगला, लिखिए भाई सिद्धांत और लिखिए, कोई व्यक्ति एक ही समय समझा जाएगा आगे ज्यादा, पहले लिखवाने वाला कार्यक्रम तेजी से समाप्त हो भाई। कोई व्यक्ति एक ही समय किसी विलेख को स्वीकार और इनकार नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति एक ही समय किसी विलेख को स्वीकार तथा इनकार नहीं कर सकता। एक बार जो उत्तराखंड में क्वेश्चन धारा 35 पर बना है कि धारा 35 का आधार क्या है, तो आपका लोक नित या कालोचितता मारिएगा, लिखिए धारा 35 का आधार लोक नित या कालोचितता है। देखिए भाई आपका एक लाइन समझाते रह जा, कई लोग फोन कर रहे हैं कि एक लाइन कम से कम बताते रहिए सिद्धांत को, एक लाइन केवल जानिए डिटेल में तो एक दो दिन में आ ही जाएगा, हम लोग आ ही जाएंगे। देखिए आपका एक लाइन सिद्धांत, देखिए भाई आपका ये सिद्धांत कहता क्या है। और एक और भाई आपका 35 में अभी एक सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत आपका एक और ही बचा है, लिखिए यह धारा, अभी एक सिद्धांत लिखिए, यह धारा नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद है, यह धारा नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद है। अर्थात यह धारा 7 का अपवाद है, भाई 7 में लिखवाया गया था, अर्थात यह सेक्शन किसका अपवाद हुआ, 7 का, यह सिद्धांत लिखवाया गया है, अतः यह धारा 7 की अपवाद है। देखिए आपका इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इस मकान का ये मालिक है, ओनर है, तत्पश्चात भी एक व्यक्ति है दूसरा जो इस मकान का मालिक तो नहीं है लेकिन भी एक विलेख तैयार करता है और लिख पढ़कर सी को यह मकान ट्रांसफर करने की प्रव्यंजना यानी कि कल्पना करता है, यानी कि बी मालिक न होते हुए सी को यह मकान बेचने की कल्पना करता है, तो बी की जो कल्पना है वह साकार हो सकती है। तो बी क्या करे भाई, आपका दस्तावेज ले जाए और कुछ पैसा ले जाए और किसको दे, ए को, असली मालिक को। अब असली मालिक के पास दो विकल्प हैं, या तो वह बी को डांट फटकार के भगा दे कि मेरी ज़मीन तुमने बेच कैसे दी और विलेख पर साइन न करे और पैसा भी बी का लौटा दे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ए के पास एक और चयन का, मैंने ऐसे को चयन कहते हैं, दो विकल्प मतलब क्या, चयन, तो एक और ए के पास विकल्प है,
कि बी ने जो दस्तावेज क्या किया है दिया है, ए उसको पुष्ट कर दे, और पैसा क्या करे बी ने जो ए को दिया है वह रख ले। यानी कि किसको चयन का अधिकार मिला है, अंतरणकर्ता को कि असली स्वामी को? तो क्या चयन है भाई, या तो आप इनकार करिए या क्या करिए, स्वीकार। अब ये नहीं हो सकता कि विलेख पर साइन भी नहीं कर रहे हैं और पैसा क्या कर रहे हैं, रख ले रहे हैं। यानी कि आपका पैसा रख ले हैं, मतलब कि मीठा हब हब, और विलेख पर साइने नहीं कर रहे हैं, मैंने तीखा थू थू, ये नहीं चलेगा। अब मीठा के साथ तीखा भी खाना पड़ेगा, या तो आप साइन करिए विलेख पर पैसा लिए हैं, और नहीं तो पैसा क्या करिए, वापस करिए। यानी कि एक ही समय आप एक बात को स्वीकार और इनकार नहीं कर सकते। यानी कि या तो आप पैसा लिए हैं तो क्या करिए विलेख पर साइन, और नहीं तो पैसा क्या करिए, वापस। आपका इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है, आगे बताया जाएगा डिटेल में। अगला ये भाई आपका धारा 36, ये यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह ये भी क्वेश्चन पूछा है। समय द्वारा प्रभाजन, हेडिंग डाल लीजिए बस एक लाइन, समय द्वारा प्रभाजन, प्रभाजन माने विभाजन, ना तो लिख लीजिए। समय द्वारा आपका प्रभाजन या विभाजन, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, देखिए सतर्क एक एक लाइन में रहना है। अगर समय द्वारा प्रभाजन दे तो 36 मारिएगा, और यहीं थोड़ा बहुत घुमा दे कि उत्तराखंड ने संपदा द्वारा प्रभाजन, तब एक और धारा आगे बढ़कर 37 मारना, ये सब रटना है। तो समय द्वारा प्रभाजन होता क्या है, बस एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए का मकान था और इससे किराएदार रहते थे, 15 तारीख को ए ने यह मकान बी को बेच दिया। अब समस्या ये आई कि भाई आपका 15 दिन तो उस महीने में स्वामी कौन रहा ए, और 15 तारीख के बाद स्वामी कौन हो गया बी। तो जो किराएदार किराया देंगे, अगर कोई ए और बी में करार अलग से नहीं है किराएदारी का कि कब से बी किराया लेगा, तो समय द्वारा विभाजन होगा। तो मान लीजिए कि 5,000 किराया है एक किराएदार का, तो 5,000 में 15 दिन स्वामी कौन रह चुका है उस माह में ए, और 15 दिन कौन उस माह में रहेगा बी। तो 5,000 में कितना कितना दोनों को बटेगा, आधा आधा। तो किसके द्वारा विभाजन किया गया प्रभाजन, संपदा द्वारा कि बताइए समय द्वारा। तो समय द्वारा प्रभाजन किस धारा में, 36। भाई किसी को समस्या हो तो बता सकता है, भले दो दो लाइन डिटेल में तो बाद में चलेगा, एक दो दिन बाद आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में बैठाए तो रहिए कि समय। अब संपदा द्वारा विभाजन लिख लीजिए अगला, तो भाई लिखते भी रहिए। धारा 37, संपदा द्वारा विभाजन, संपदा द्वारा विभाजन। भाई ये संपदा द्वारा विभाजन देखा जाए भाई कैसे होता है। मान लीजिए ए और बी दो मालिक हैं इस जमीन की, ध्यान समझिए, और ये मालिक आधा आधा के हैं। यानी कि कितने स्वामी हो गए इस जमीन के दो, कौन कौन, ए तथा बी, और आधा आधा हिस्सा के हकदार हैं। ये जमीन बेची जाती है और 5,000 रुपया में बेची जाती है। तो अब आइए 5,000 रुपया में ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि जितना जितना हिस्सा इनका उस संपत्ति में था, उस हिस्से के अनुसार पैसे का बंटवारा होगा। तो आप लोग बताइए कितना कितना इस जमीन में इनका हिस्सा था ए बी का, आधा आधा, और ये जमीन बेचने के बाद कितना पैसा आया है, 5,000। तो इनमें कितना कितना बंटवारा होगा, आधा आधा, यानी कि 2,500 कौन पाएंगे जमीन बेचने के बाद, ए, और 2,500।
तो संपदा द्वारा विभाजन हुआ कि समय द्वारा? संपदा द्वारा, समय द्वारा नहीं, किसके द्वारा? अगला लिखे 37 के बाद आपका 41 देखना है। 41 से निश्चित रूप से आपका 90% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बनेगा। आपका हेडिंग डाल लीजिए ओस्टनेबुल ओनर या दृश्यमान स्वामी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दृश्यमान स्वामी या ओस्टनेबुल ओनर द्वारा ट्रांसफर किस धारा में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 41। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, फैलाव का सिद्धांत किस धारा में है? आप लिख करके लिखिए फैलाव का सिद्धांत। फैलाव का सिद्धांत एक बार ये बना है, फैलाव का सिद्धांत किस धारा में है? तो आपका जवाब रहेगा 41। तीसरी भाषा में लिखिए, लिखिए भाई अगला, धारा 41 विबंध पर आधारित है, स्टापेल पर। धारा 41 विबंध पर आधारित है या स्टापेल पर आधारित है? जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण केस है, जो लगातार पूछा जाता है, लिखिए यह धारा राम कुमार कुंडू बनाम मैक्वीन वर्सेज मैक्वीन, मैं आधा को वीन मैक्वीन के बाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है, के बाद में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बना है। अन्य केस लिखिए भाई आपका, शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल चंद्र लाहा। ये एपीयू में भी आया था भाई, ये आपका केस 2015 एपीयू में आया था, ये एविडेंस में लिखिए। शरत चंद्र डे वर्सेज गोपाल गोपाल चंद्र लाहा, इसको दो भाग, इसको लिखिए। अगर ये टीपीए में क्वेश्चन आए, ये केस आ जाए, तो आप मारिएगा दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, अर्थात आपका ये 41 से, और ये क्वेश्चन आपका एविडेंस में भी मिलेगा, और एविडेंस में आए तो स्टापेल या विबंध से मारिएगा। लिखिए साक्ष्य अधिनियम में यह केस, इसी के आगे लिख लीजिएगा साक्ष्य अधिनियम में यह केस विबंध स्टापेल से संबंधित है। अगला केस लिखिए भाई, ज्योत सिंह वर्सेज रामदास महतो। अगला केस लिखिए, 41 अभी चल रहा है। ज्योत सिंह वर्सेज रामदास महतो। अगला केस लिखिए, लक्ष्मण वर्सेज
कालीचरण। अगला केस लिखे सूरज रतन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण केस है। सूरज रतन वर्सेज, सूरज रतन वर्सेज अजामाबाद टी कंपनी लिमिटेड। अजामाबाद, अजामाबाद टी कंपनी लिमिटेड। अगला इसमें लिखिए भाई, अभी यह धारा सात का अपवाद है। यह धारा सात का अपवाद है, अर्थात दूसरी भाषा में इसको लिखिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का अंतरण नहीं कर सकता, अपने से उत्तम हक का अंतरण नहीं कर सकता। इस नियम का यह धारा अपवाद है। इस नियम का भी बिहार में पूछा गया था भाई, यही क्वेश्चन आपका बिहार में भी पूछा गया था, पिछली बार मेंस में पूछा गया था, प्री में भी लगातार आता है। इसको इंग्लिश में आपका कहते हैं, अभी लिखवाया भी गया था 35 में, 7 में भी लिखवाया गया है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन कौन सी धारा है। तो मैं शुरुआती दौर में भी लिखवाया था, फिर बता दूं, और लास्ट में एक जगह एकत्र भी करवाया जाएगा। तीन धाराएं हैं 35, 41 और 43। तो दो, अगला लिखिए 41 में लिखिए भाई, अभी पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बेनामी संव्यवहार अधिनियम। बेनामी संव्यवहार अधिनियम 1988 पास करके, यानी कि 1988 पास करके इस धारा के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। इस धारा के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है। तथा ज्यादातर मामलों में, दृश्यमान स्वामी को ही, यानी कि ओस्टनेबुल ओनर कहा जाता है, रंगा सियार भी कहा जाता है, दृश्यमान स्वामी को ही असली स्वामी मान लिया गया है। असली स्वामी मान लिया गया है। यह कानून, एक बार भाई डेट पूछा है, यह कानून यानी कि बेनामी संव्यवहार, यह कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ, यानी कि प्रवर्तित हुआ। देखिए बना बहुत समय बाद लागू हुआ है, 1 नवंबर, अंडरलाइन करिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ, यानी कि 1 नवंबर 2016 से प्रवर्तित हुआ, इनफोर्स हुआ। अब आपका इसी को आसान भाषा में जो कहा जाता है रंगा सियार भी कहा जाता है। तो आइए, रंगा सियार तो आगे बताया जाएगा, लेकिन दृश्यमान स्वामी देखिए कौन होता है, थोड़ा अच्छे समझिए। आइए पति पत्नी पर ही चला जाए। देखिए मान लीजिए आजकल हो भी रहा है, खतरा भी है बहुत ज़्यादा,
देखिए फिर एक बार भाई आपका, ये मान लीजिए पति है और भी उसकी पत्नी है। अब ये है कि भाई अगर पत्नी के नाम पर वह जमीन खरीदता है तो उसमें आपका सरकार कुछ जो टैक्स लगता है उसमें छूट देती है। तो ये चाहता है कि पैसा ए लगाए, पैसा ए ने लगाया और किसके नाम से जमीन खरीदा, बी के। तो बताइए कागज पत्र, सरकारी कागज में किसका नाम है जमीन पर, बी का, और वास्तव में पैसा कौन लगाया है, ए। अब इसी बीच चूंकि बी का नाम है सरकारी कागज में तो बी ने किसको बेच दिया, सी को। अब यहाँ थोड़ा दिमाग उल्टा करके समझिएगा, जो पैसा लगाया आपका 41 सेक्शन के तहत वह असली स्वामी माना जाएगा, यानी कि ए भले इसके नाम जमीन न हो, कानून ए को कौन सा स्वामी मानता है, असली। और जिसके नाम जमीन बी के नाम है और चूंकि पैसा ए ने लगाया है, अतः जो बी है वह दृश्य मान स्वामी है, यानी कि ओस्टनेबुल ओनर है, और जो सी है वह अंतरिती है। अब ऐसी दशा में होता क्या था कि बी किसी अन्य को संपत्ति बेचती थी तो ए जाकर मुकदमा करता था कोर्ट में और कहता था कि असली स्वामी मैं हूँ, क्योंकि पैसा इस जमीन में मैं लगाया हूँ, अतः मेरी पत्नी ने जो जमीन बेची है उस जमीन के विक्रय को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। तो अब आपका इसके लिए 1988 ईस्वी में कानून बना, बेनामी संव्यवहार अधिनियम, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया और लागू हुआ आपका 1 नवंबर 2016 से। अर्थात अब नियम ये है कि 1 नवंबर 2016 से जो दृश्यमान स्वामी है अब कैसा स्वामी हो जाएगा, असली। ये दो तीन अपवाद हैं, वो आगे बताए जाएंगे। ज़्यादा अब इस धारा का ज़्यादा स्कोप नहीं बचा, याद रखिए दो तीन अपवाद हैं उसको बताया जाएगा। न्यास है, सहदायकी है, यानी कि संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अन्यथा अब कोई, यानी कि अगर वर्तमान समय में बी के नाम जमीन है, कागज पत्र में नाम है, भले ए ने पैसा लगाया हो, अगर बी उस जमीन को बेचती है तो कोई अब समस्या नहीं है, क्योंकि अब कानून दृश्यमान स्वामी को ही क्या मान लिया है, असली स्वामी। देखिए आपका गोवा व इत्यादि राज्यों में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं ज़्यादातर अपने पुत्री के नाम, तो पुत्र के नाम, तो दामाद के नाम जमीन खरीदे हैं। और सरकार एक बार सोची कि कार्रवाई की जाए, लेकिन हो सकता है दबाव वबाव पड़ा हो। तो भाई ये हुआ कि ये जो बेनामी संपत्ति है इनको क्या किया जाए, सरकार जब्त करे, पैसा कोई और लगा रहा है और नाम किसी और का। लेकिन अभी तक योजना ये कारगर साबित नहीं हुई, मैं बता दूं। तो वर्तमान समय में ये याद रखना है कि भले अब दृश्यमान स्वामी को ज़्यादातर मामलों में क्या मान लिया गया है, असली स्वामी, तो खतरा ये है कि मान लीजिए ये जीवन भर कमाया और कुछ टैक्स बचाने के लिए किसके नाम जमीन ले लिया, पत्नी के, और कल लड़ाई हो गई पत्नी से तो ए का हाथ खाली, कुछ नहीं उखा बिगाड़ सकता। और को किसको पूरा हक है, पत्नी को, चाहे वो मकान बनवाए या बेच कर क्या बना ले, पैसा। और ए उसके बाद छाती पीटेंगे या सिर पीटेंगे या रोएंगे, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि वो अलग बात है, यानी कि जब तक विश्वास कायम है ठीक है, और जैसे ही विश्वास दोनों में भंग हुआ वैसे ही कौन अपना काम कर जाएगी, वाइफ। कुछ अब कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो आपका दृश्यमान स्वामी नहीं रहे, कैसी स्वामी हो गई है। हाँ डेट याद रखिए, 1 नवंबर से। चलिए आगे बढ़िए भाई, सही है एकदम, 1 नवंबर 1 नवंबर अब तो रट ही डालेंगे। अगला लिखे भाई आपका,
43 लिखिए, धारा 43 खूब पूछा जाता है यहाँ। सेक्शन 43 में लिखिए हेडिंग पहले, अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, अनऑथराइज पर्सन द्वारा, अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। अभी हम एक उसको भी समझा देंगे कि पहले जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसको लिखवा दिया जाए। पहला आपका पूछा जाता है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल का सिद्धांत कहाँ है, लिखिए फीडिंग द, फीडिंग पहले इंग्लिश में लिखिए तब हिंदी में लिखवाते हैं इसको, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, फीडिंग फीडिंग द ग्रांट बाई स्टापेल, बाई स्टापेल हिंदी में लिखे विबंध द्वारा अनुदान का परिपोषण, विबंध द्वारा, विबंध द्वारा अनुदान का परिपोषण, अगला लिखे विलेख द्वारा विबंध का सिद्धांत, पूछ ले तो 43 मारिएगा, विलेख द्वारा विबंध स्टापेल बाय डीड, ये भी आ चुका है, विबंध विलेख द्वारा विबंध का सिद्धांत किस धारा में है, तो आपका 43। अगला लिखिए केस, लिखिए भाई आपका केस महत्वपूर्ण है, राजपक्षी वर्सेज फर्नांडो, ये आ चुका है ये भी केस, राजपक्षी, राज पक्षी वर्सेज फर्नांडो, फर्नांडो राज पक्षी वर्सेज फर्नांडो, अंडरलाइन कर लीजिएगा आ चुका है कैसे 43। अगला लिखे हाल यार्ड वर्सेज मार्शल, दूसरा केस लिखे हाल यार्ड, हाल यार्ड वर्सेज मार्शल, अगला केस लिखे जुम्मा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, जुम्मा मस्जिद बनाम कोदी मोनियांद्र, कोदी एक ही में, कोदी मोनियांद्र, मोनी यांद्र को बनाम कोदी मोनियांद्र, ये भी क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। अगला केस लिखे मदनप्पा वर्सेज चंद्रमा, मदनप्पा, मदनप्पा वर्सेज चंद्रमा, अब आगे नीचे लिखे आपका सिद्धांत और अपवाद जो बार बार पूछा जाता है उसका मॉडल थोड़ा फिर बनाया जाए। लिखे भाई आपका टीपीए की धारा 7 में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अभी बिहार भी बनाया था ये, टीपीए की धारा 7 में नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, इसको हिंदी में लिखिए, इसी के आगे हिंदी में लिख लेना, कोई व्यक्ति
स्वयं से उत्तम स्वत्व का कोई व्यक्ति स्वयं से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति स्वयं से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता, लेकिन इसका अपवाद को पूछा जाता है। अभी बिहार में भी आया था, लेकिन इसका अपवाद धारा 35 का मध्य का लिखिएगा, सेक्शन 35(41) तथा 43 में है, लेकिन इसका अपवाद सेक्शन 35(41) तथा 43 में है। अब मॉडल देखिए, 5-6 मॉडल आपका कैसे बना है, आपका दे देगा कि कोई भी व्यक्ति उस हक से अधिक हक दूसरे को नहीं दे सकता जो उसके पास है। इसका अपवाद कहाँ कहाँ दिया गया है, इसका एक्सेप्शन या अपवाद कहाँ कहाँ है, तो देखिए कैसे कैसे मॉडल बनाया है। एक तो ऑप्शन दे देगा 35, 41, 43, तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए, दुपहला। दूसरा, 3-3 धाराओं का ग्रुप देगा, तो 3-3 धाराओं का ग्रुप दे, तो सतर्क होकर आप 3 धाराएं देखिएगा कौन कौन जिस ग्रुप में हो, 35, 41 और 43। अगर 2-2 धाराओं का ग्रुप आए तो ग्रुप में आप 2 धाराएं देखेंगे, 41 और 43, जो बिहार में पूछा भी गया था। अब देखिए ऐसे देता है 41, 42, फिर दे देगा 42, 43 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 4 ऑप्शन में कौन सही है, कौन अपवाद है, 41 और 43। अब आपका देखिए उत्तराखंड भरमा दिया था 41, 44, 41, 42, 42, 43 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन, कोई ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, तो क्या मार कर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। ये उत्तराखंड का मॉडल है। बिहार ने आपका 2 सेक्शन बनाया, बताया ही गया, कई लोग इसी में खोज रहे थे 35। अरे भाई 35 हम बताए हैं, ना हो तो आप 2-2 खोजिए, 2 ना हो तो कितना खोजिए, 1, तो 1 वाला भी उदाहरण बता दिया जाए। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट की कौन सी धारा अपवाद है, तो देखिए 41 दे देगा, 42 दे देगा, फिर आपका 44 दे देगा और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सेक्शन एक्सेप्शन है इसका, आपका नेमोडेट कोड नॉन हैबिट का कौन सा मिल रहा है, 41, और आपका 41 न रहे 40 रहे, 40, 42, 44, तो क्या कोई है अपवाद, तो नहीं है, तो क्या मार कर आएंगे, इनमें से कोई नहीं। भाई उत्तराखंड ज़्यादा भरमाता है जे में क्वेश्चन, बिहार तो सीधे पूछ लिया, भाई सतर्क रहना है। आइए इसको समझा दिया जाए भाई कम से कम एक बार। आपका अनऑथराइज पर्सन द्वारा ट्रांसफ़र होता क्या है, एक लाइन में एक उदाहरण से समझा दिया जाए, डिटेल में तो हम बाद में पढ़ाएंगे। देखिए आपका ए एक व्यक्ति है, इसका मकान है, और बी दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए पुत्र ही है आपका, ए पिता है। अब आइए ये मकान ए के नाम है। अब आप लोग खुद बताइए, जब मकान ए के नाम है, सब स्वामी ए हैं, तो भाई बेचने का हक कौन रखता है, ए, और पुत्र को तो अभी मिला नहीं है, लेकिन पुत्र महोदय क्या काम करते हैं कि एक आदमी को भरमाते हैं, किसको, सी को, और सी को भी भरमाता है, यानी कि आपका कपट करता है सी से, और ये कहता है कि देखो ये मकान मेरा है और तुम उसे क्या करो, खरीद लो। सी बी पर विश्वास करता है और फ्री में नहीं खरीदता, पैसा देकर खरीदता है, और सी को जानकारी नहीं रहती कि ये मकान ए का है।
अब बाद में जब सी जाता है मकान पर तो लोग बताते हैं कि तुमने तो गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि अभी बी का पिता जिंदा है, मकान ए का है और तुमने उसके पुत्र से खरीद लिया। तो यहाँ सी के पास दो विकल्प हैं, ध्यान समझिए। पहला विकल्प ये है कि बी ने जो सी से संविदा की थी वह संविदा सी भंग करे और अपना पैसा क्या करे, वसूले, क्योंकि किसने फ्रॉड कर दिया है, बेटवे ने। और एक और उपाय है, सी क्या करे, इंतजार करे कि हो सकता है कि बी का पिता ए मरे और पिता के मरने के बाद उत्तराधिकार में कौन संपत्ति पाए, बी। और जब बी संपत्ति पाएगा तब उस समय जाकर हम मांग करेंगे कि अब संपत्ति हमें दे दो। तो ऐसी दशा में आपका, इसी को हम कहते हैं विलेख द्वारा विबंध। अगर बी बाद में ये कहे कि जिस समय मैं बेचा था उस समय मैं स्वामी नहीं था, तो इस्टापेल का नियम ये कहता है कि बी के मुंह को कानून बंद कर देगा, अर्थात जब एक बार झूठ बोले थे तो उसी झूठ पर कायम रहो, तुम्हें पलटने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, नहीं दिया जाएगा, यानी कि मुख में अब क्या लगा दिया जाएगा, टेप। तो इस्टापेल का मतलब क्या हुआ कि पिछली बातों से माने आपका विपरीत बात कहने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब आप लोग बताइए, बी जब सी को बेचा था, बेचने की परिकल्पना किया था, उस समय झूठ बोला था कि सत्य, झूठ, क्योंकि उसकी तो जमीन थी नहीं, और जब पिताजी मर गए और अब आया है तब सत्य बोल रहा है। तो इस्टापेल करता क्या है कि जब आदमी झूठ बोला है तो कहता है कि आप उसी झूठ पर कायम रहिए और आपको पलटने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपका मैंने तमाम चीज़ें हैं इस्टापेल का सिद्धांत डिटेल में। अब बताइए, मौखिक रूप से बी ने सी को बेचा था कि दस्तावेज पर लिखकर? तो इसको विलेख द्वारा विबंध, किसके द्वारा, माने ए रोका जा रहा है तो किसके कारण, मौखिक रूप से बोलने के कारण नहीं, बी ने पूरा लिखा पढ़ी करके किसको दिया, सी को। एक और पॉइंट याद रखना है कि जो धारा 38 से लेकर जो नियम शुरू हुए हैं वह चल संपत्ति के अंतरण में लागू नहीं होंगे, केवल किस में लागू होंगे, अचल। तो आपका धारा 38 के बाद 41 हमने पढ़ाया था, यानी कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण का सिद्धांत। अब ऐसे क्वेश्चन बनाइए, लागू होता है चल संपत्ति में, अचल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, केवल अचल। क्यों, क्योंकि 38 से लेकर, मैं कई बार बताया हूँ इसको, आप दिमाग में रखे रहिए, 38 से लेकर और 53A तक के नियम केवल और केवल किस प्रॉपर्टी में लागू होंगे, इमूवेबल। अब दे देगा 43 का नियम लागू होता है चल की अचल की दोनों की, इनमें से कोई नहीं, केवल अचल। तो 38 के बाद जो भी सेक्शन आया बताना ना पड़े, 53A तक, ये नियम केवल किस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में, अचल। अब आइए 40 आपका कह सकते हैं कि 3 हो गया। अब आइए 44, हेडिंग डालिए भाई, धारा 44 एक सह स्वामी द्वारा अंतरण, हेडिंग डालिए एक सह स्वामी द्वारा अंतरण, ट्रांसफर बाय वन को ओनर, ट्रांसफर बाय वन को ओनर। अब एक सह स्वामी द्वारा ट्रांसफर, यहाँ आपका थोड़ा अंदर तक भी आपका पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ जो पूछा जाता है वह सबसे महत्वपूर्ण आपका पूछा जाता है, डाकिन ऑफ सबरोगेशन, उसको लिखिए, बेरक पर लिख लेना चाहिए अलग भी, डाकिन ऑफ सबरोगेशन,
या हिंदी में प्रत्यासन का सिद्धांत। प्रत्यासन, प्रत्यासन डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन या प्रत्यासन का सिद्धांत, या हिंदी में और लिखिए प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत को पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, तो प्रत्यास्थापन का सिद्धांत या प्रत्यासन का सिद्धांत किन सेक्शनों में दिया गया है, तो आपका 44 भी मारेंगे और एक सेक्शन और आगे लिख लीजिए 92, उसी में सेक्शन जोड़ लीजिए। तो जहाँ लिखे हैं प्रत्यासन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, आपका ये पूछा जाता है कि टीपीए की किन धाराओं में समाहित हैं, तो दो सेक्शन याद रखिएगा कौन कौन, 44 और 92, ये रट कर जाना है। तो बहुत आसान है, एक सह स्वामी द्वारा ट्रांसफर, तो बहुत आसान है आपका, भाई पूछा भी गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन गलत ना हो, बहुत आसान नियम है। देखिए आपका आसान नियम यह है कि एक आपका जमीन बना दिया जाए, इसके दो मालिक बना दिया जाए, एक आधा का मालिक कौन है ए और आधे का मालिक बी, ए ने क्या काम किया कि अपना पूरा हिस्सा किसको बेच दिया, सी को। अब आप लोग खुद बताइए, अब ए यहाँ से जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, सी, तो सी उस जमीन में कितना अंश पाएगा, बी का भी पाएगा कि केवल ए का, केवल ए का माने ए का जितना हिस्सा रहेगा कौन पालेगा, तो यहाँ से ए को हटा दीजिए और किसको बैठा दीजिए, तो इसी को प्रतिस्थापन कहते हैं, सबरोगेशन कहते हैं, प्रत्यासन कहते हैं, यानी कि एक पार्टी को वहाँ से बाहर करिए और दूसरी पार्टी को क्या करिए, हटा दीजिए। अब कोई समस्या हो तो बताइए। अगला ये आपका कह सकते हैं कि जो 44 के बाद पूछा जाता है आपका 48 लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी 40 आपका 8 चल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी हिंदी में लिखिए प्राथमिकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत या पूर्विकता का सिद्धांत, पूर्विकता, पूर्विकता का सिद्धांत या पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत, पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत या फर्स्ट इन टाइम, फर्स्ट प्रथम, फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन ला, फर्स्ट इज टाइम इन बेटर इन ला, यानी कि हिंदी में इसका हुआ जो समय से प्रथम होता है उसका विधि में प्रथम स्थान होता है। लिखिए जो समय की दृष्टि से प्रथम होता है, जो समय की दृष्टि से प्रथम होता है विधि में उसका प्रथम स्थान होता है, अब देखिए एक उदाहरण इस पर भी बता दिया जाए आपका, ये
विधि में प्रथम। मान लीजिए ए के पास ये मकान है, ध्यान से समझिएगा, और ये मकान इसने बी को बेचा और 1 जनवरी 2016 को बेचा, यानी कि ए ने अपना मकान बी को 1 जनवरी 2016 को बेचा। अब नाम किसके नाम हो गई है, जमीन बी के। तत्पश्चात ए ने क्या काम किया कि फिर सी को भरमाया और कहा कि हम किसी को जमीन अभी बेचे नहीं हैं, आपको भी मैं बेच दे रहा हूँ। तो प्रयागराज में ऐसा कांड बहुत ज़्यादा हुआ है, और जब झूसी का विकास हो रहा था तो सैकड़ों हजारों मुकदमे चल रहे हैं झूसी के। प्लाटरों ने क्या काम किया कि उनको प्लाटिंग करनी थी और झूसी में एक ही प्लाट को सात सात आठ आठ लोगों को बेच दिया, दो दो तीन तीन दिन के अंतर पर, और बेचकर प्लाटर फरार हो गए। अब ऐसी दशा में कौन हकदार होगा भाई जमीन का? तो जो पहले आओ पहले पाओ। तो कौन पहले खरीदा है? बी। तो पहला हक किसका होगा? अब यह कि सी डी ई अपना मुकदमा लगा देते हैं ताकि फंसा रहे मुकदमा और सालों साल चलता रहे, यानी कि न खाएंगे न खाने देंगे, यानी कि न हम अपना बनाएंगे और न आपका मकान बनाएंगे, स्टे लगवा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका कांड जो हुआ है ये भाई झूसी में ऐसा कांड है, और तमाम मकान आज भी विवादित हैं, और आपका जो प्लाटिंग किए, आपका लाखों करोड़ों कमा कर इलाहाबाद से क्या हो गए, फरार। अब फ्रॉडगिरी का मुकदमा करिए, गिरफ्तारी का वारंट जारी है और कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ सिम बदल दिया, अब परिवार के साथ क्या हुआ, अब कोई जानता भी नहीं था कहाँ का प्लाटर है, क्योंकि वो तो बैठे रहते हैं, लोग गए तो ज़्यादा जो मलेट्री वलेट्री वाले रहते हैं वो फंस जाते हैं, दो दिन के लिए आए, कोई भरमाया खरीदे, अब फिर आए दो साल बाद तो पता लगा कि कोई और यहाँ बिल्डिंग बना लिया, अब लड़ाई करें। तो जो लोग मने इसीलिए आपका जब भी खरीदे बहुत सावधानी से ज़मीन खरीदनी है, यानी कि हम भी प्रयास किए तो मैंने 50 ज़मीन देखे तो 49 उसमें डिफ़ॉल्ट ही आया, और आपका यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें आपका बता दिया जाए उसमें फाल्ट हैं इलाहाबाद में। अब ये कि जिनको भाई गुंडई करना है वो खरीद ही रहे हैं, विवादित कुछ लोगों की आदत है, विवादित ज़मीन क्या करिए, खरीदिए, थाने को दीजिए 50,000 1,00,000 और थाने से मैनेज करके क्या करिए, काम करवा लीजिए, तो अलग बात है। अगला लिखिए 49, सेक्शन 49, बीमा। अब यहाँ जो पूछा जाता है कि 49 आपका किस बीमा के मामले में लागू होगी? तो बीमा आपका होता है, एक तो आग द्वारा जल गया आपका मकान, दूसरा भूकंप आ गया, तीसरा बाढ़ आ गई, आपका अब मकान ध्वस्त हो गया, सुनामी आ गई। तो यही पॉइंट पकड़ना है कि 49 किस बीमे में लागू होगी। देखिए बेरे कौन सा बीमा है, स्पष्ट लिखा गया है कौन सा, केवल अग्नि द्वारा। लिखिए धारा 49 केवल अग्नि द्वारा बीमा के मामले में लागू होगी। अब देखिए कैसे भरमाएगा, धारा 49 लागू होती है आपका, दे देगा बाढ़ द्वारा बीमा, फिर अगला दे देगा अग्नि द्वारा, फिर सुनामी द्वारा और उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कर आएंगे, तो जो इतना अंदर 90% लोग गलत करके इसको आएंगे, 10% ही लोग सही करके आएंगे, और जो लोग सही कर लिए उनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि इतना अंदर तक ना तो कोई पढ़ता है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, दो चार आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपका 51 लिखिए, 51 लिखिए भाई आपका, धारा 51 त्रुटि युक्त हकों के अधीन। लिखिए अभी आपका बिहार जे में पूछा, त्रुटि युक्त मैंने गलती से, त्रुटि
मिस्टेक कहिए, त्रुटि युक्त हकों के अधीन सद्भावना पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियाँ, भाई बेरक भी रखे रहिए साथ में, बेरक डेली लेकर आइए टीपीए का, फिर एक बार देखिए, त्रुटिपूर्ण हकों के अधीन सद्भावना पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियाँ, इसमें आपका जो बिहार ने यहाँ क्वेश्चन बनाया था और आपका बना यूपी में भी है, वह सिद्धांत से बनाया था इक्विटी में जाकर, कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये टीपीए की किस धारा में ये सिद्धांत समाहित है। ये बिहार में पिछली बार का जे का क्वेश्चन है और यूपी में भी एक बार रिपीट किया है टीपीए में। देखिए बिहार ने जो इस क्वेश्चन को बनाया वह इक्विटी में या साम्य में जाकर बनाया, और यूपी ने जो इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है तो साम्य में नहीं किया है, वह टीपीए में पूछ रहा है कि किस धारा का यह सिद्धांत है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का हक भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए तैयार। इसका मतलब कि ये हुआ कि अपना हक मांगिए और दूसरे का हक देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए, तो एक अभिवृद्धि कराया जाए। देखिए ये एक व्यक्ति हैं और आपका इस जमीन पर काबिज है और इस सद्भावना पूर्वक ये समझता है कि इस जमीन का मैं मालिक हूँ, और मालिक जानते हुए मैंने दुर्भावना में नहीं, क्या ये समझता है मालिक, और इस जमीन पर एक मंजिला आपका बिल्डिंग बनाता है। तब तक तत्पश्चात बी आता है और बी ए के खिलाफ मुकदमा करता है कि इस जमीन का मालिक मैं हूँ। न्यायालय बी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो ए ने सद्भावना पूर्वक अपने को मालिक माना था, उसे ज्ञान नहीं था कि बी मालिक है, और एक मंजिला बिल्डिंग बनाई। अब तो मकान न्यायालय के डिक्री द्वारा किसको मिलेगा, जमीन बी को, तो बी जमीन लेता है तो ये भी तो कुछ किया है जमीन पर, क्या किया है आपका, कुछ निर्माण किया है, तो वह उतना निर्माण का पैसा बी किसको दे, ए को दे, यानी कि बी अपनी जमीन ले रहा है तो निर्माण का पैसा किसको वापस करे, ए को, यानी कि बी अपना हक मांगे लेकिन ए का जो हक था वह देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। लेकिन ये नियम सतर्क रहना है लागू कब होगा, जबकि ए सद्भावना में कार्य किया हो कि दुर्भावना में, यानी कि ए को पता नहीं था, ए विश्वास करता था कि ये जमीन क्या है मेरी, और बाद में कोई आकर उसको वहाँ से क्या किया, हटा दिया। तो इसी को लिखिए अगला भाई आपका सेक्शन 52 संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, हेडिंग डालिए संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, इसको लिखे आपका इंग्लिश में लीस पेंडेंस कहा जाता है, लीस LIS लीस पेंडेंस या हिंदी में लिखे वाद लंबन का सिद्धांत, भाई दो तीन वाक्य लिखे वाद लंबन का सिद्धांत, आप लिख करके लिखे विचाराधीन वाद का सिद्धांत, विचाराधीन वाद का सिद्धांत,
आप लिख करके लिखे फिर। वाद की लंबिता अवस्था का सिद्धांत, वाद की लंबिता अवस्था का सिद्धांत, इसको जोड़ लीजिएगा आप, तो बैक थोड़ा इधर कर लीजिएगा आप लोग, बैक पीछे कर लीजिए, बैक या इधर कर लीजिए। देखिए आप का वाद लंबिता अवस्था का सिद्धांत, अब इसको थोड़ा को इधर कर लीजिए भाई, हाँ इसको थोड़ा कोरिलेट भी कर लीजिएगा। आपका ये जो सिद्धांत है सीपीसी से कोरिलेट करना है, और वाद लंबिता अवस्था का सिद्धांत सीपीसी की धारा 10 में है। एक लाइन और लिखिए अलग से, तो सीपीसी की धारा 10 में, सीपीसी की धारा 10 में वाद की लंबिता अवस्था का सिद्धांत समाहित है। मैंने इसको जब भी पढ़िएगा सीपीसी की धारा 10 भी याद रखना है, समाहित है। लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिस्पेंडेंस के सिद्धांत, लिस्पेंडेंस का सिद्धांत सर्वप्रथम, केस अंडरलाइन कर लीजिएगा, को पूछा जाता है लिस्पेंडेंस का सिद्धांत सर्वप्रथम बेलामी वर्सेज सेवाइन के वाद में, बेलामी वर्सेज सेवाइन, रट डालिएगा इसको, खूब पूछा जाता है बेलामी वर्सेज सेवाइन के वाद में जस्टिस टर्नर, एक बार उत्तराखंड ने जज का नाम पूछा है, जस्टिस टर्नर ने प्रतिपादित किया, टर्नर वही मेढक वाला टर 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 वाला टर्नर ने प्रतिपादित किया, इसका आधार, ये यूपी और उत्तराखंड दोनों में आ चुका है क्वेश्चन, यानी कि लिस्पेंडेंस का आधार क्या है, इसका आधार कालोचितता या लोकनीति है, पब्लिक पॉलिसी, कालोचितता या लोकनीति है, पब्लिक पॉलिसी, यही मार्क रहेगा। केस लिखिए और अन्य केस लिखिए भाई आपका, फयाज हुसैन खां बनाम प्राग नारायण, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फयाज हुसैन खां वर्सेज प्राग नारायण, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी दो तीन बार रिपीट किया है, फयाज हुसैन खां वर्सेज प्राग नारायण। अगला केस लिखिए, विशन सिंह वर्सेज खजान सिंह, विशन सिंह वर्सेज खजान सिंह, अगला लिखे सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी आ चुका है, सुप्रीम जनरल फिल्म एक्सचेंज लिमिटेड, एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेज ब्रिजनाथ सिंह, ब्रिजनाथ सिंह, ब्रिजनाथ सिंह, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी रिपीटेड है। अगला लिखिए केस, श्रीमती स्यारबाई,
सीआर ना लिख दीजिएगा, श्रीमती सीआर आदर्श यार, श्रीमती सीआर बाई वर्सेज यशोदा बाई, श्रीमती सीआर बाई वर्सेज यशोदा बाई। अगला धारा लिखे 53 लिखे, कपटपूर्ण अंतरण। माने फ्रॉड के साथ ट्रांसफर, फ्रॉड कपटपूर्ण अंतरण, दो तीन क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई, आपका 52 में एक और लिखवाना था, 52 में एक और कहीं ऐड कर लीजिए। धारा 52 में 1929 में संशोधन किया गया, उसको ऐड कर लीजिए 52 में। धारा 52 में 1929 में संशोधन किया गया 1929। अब आपका भाई कल इसको और लिखवाया जाएगा, मैंने आधा से अधिक आपका हो गया, 53 तक आपका ज़्यादा समय लगता है। इधर कम सिद्धांत और कम धाराएं, यानी कि इधर जब आप 54 से बढ़ेंगे तो आपका सेक्शन ज़्यादा, सिद्धांत थोड़ा कम आएंगे। तो कल आपका फिर लिखवाया जाएगा, अभी आपका 10:30 बजे से क्लास चलेगा भाई। भाई देखिए, आपका ये कितने लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं भाई, सुबह लग सकता है जी। प्रकाश सर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास भाई समय का अभाव हो रहा है, दूसरे लोगों से आपका पढ़वाया जाएगा। मैंने एक टीचर हैं, पहले हिस्ट्री उनसे पढ़वाई जाएगी, कई कोचिंगों में पढ़ाते हैं, क्लाइमेक्स एक आदमी में भी पढ़ाते हैं। तो भाई सुबह 8 बजे से 7 बजे तक खाली नहीं है, तो उनका समय आपका सुबह केवल 7 से 8 खाली है।